आज आम से एक मीठी पुडिंग, मैंगो ईव्स पुडिंग। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आप आम को छीलकर उसके स्लाइसेस काट लें और उसके बाद एक केक जैसा बैटर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आप मक्खन ले लें बिना नमक वाला, और फिर ये मक्खन को सॉफ्ट करना है आपने इस तरह से, और अब इसमें डालें पिसी हुई चीनी, और मक्खन और चीनी को साथ में क्रीम करना है। ये अच्छी तरह से मक्खन और पिसी हुई चीनी मिल गई, और अब इसमें हम डाल देते हैं अंडा, इसे भी मिक्स करना है, और वेनिला एसेंस, और इसे बीट कर लेता हूं, मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे ये मैदा। मैदा मैंने डाला है छन्नी के अंदर, और ये बेकिंग पाउडर, दोनों छान लेते हैं इसमें हम। और अब इसे हमने मिक्स करना है, और अब क्या करना है, अब एक आप डिश ले लें जिसमें इस पुडिंग को बनाना है, ये ले ली मैंने, और इसके अंदर रखें आम के स्लाइसेस, और अब इस आम के ऊपर डाल दें थोड़ी चीनी। इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये डालेंगे इसके ऊपर। ये कर दिया ऊपर से कवर। चलिए तो अभी इसकी जो लड़ाई है वो देख लेते हैं। अवन में इसे डालते हैं। अवन को आप प्री हीट कर लें 160 डिग्री सेल्सियस पर, करीब 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और अब ये अवन मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है 160 डिग्री सेल्सियस पर, करीब एक घंटा लगेगा, एक घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। आप देखेंगे ऊपर से जो पुडिंग है उसका रंग केक के जैसे हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाएगा, और जो अंदर आम है उसकी तो बात ही क्या है, चीनी उसमें मिक्स होगी, आम सॉफ्ट होंगे, और पूरी तरह से पुडिंग तैयार। ऊपर से अच्छा रंग, अंदर से सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, खाएंगे तभी पता चलेगा कि कैसी बनती है। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पके हुए आम स्लाइस किए हुए, 1/4 कप मक्खन, 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 1 अंडा, 1/4 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 3/4 कप मैदा, 3/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप चीनी। इसके लिए मक्खन और पिसी हुई चीनी को फेंट लें। अब इसमें अंडा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें वनीला एसेंस डालकर मिलाएं। इसके बाद मैदा और बेकिंग पाउडर को छानकर इसके अंदर डालें, और किसी पैलेट नाइफ या फ्लैट चाकू से इसे फोल्ड करें और मिक्स कर लें। अब एक पुडिंग मोल्ड में आम के स्लाइसेस को रखें, ऊपर से चीनी और पुडिंग के मिक्सचर को डालें। अब इसे प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पर करीब एक घंटे तक बेक करें, और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करें।